नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रोटेक चैनल में। मैं प्रीतिका मजुमदार और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आईपीएल के पत्ते। तो आज है 10th मई और आज है दिल्ली के साथ हैदराबाद की टीम के मैच। तो दिल्ली की टीम से है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है, आज उनके कार्ड हम देख लेते हैं क्या इशारा कर रहे हैं ऋषभ पंत की आज के कार्ड। 4 top cups, ऋषभ पंत वैसे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा अभी तक, शुरू से लेके अभी तक बहुत अच्छा रहा है, पर आज की जो मैच में इनके जो परफॉर्मेंस कुछ खास मुझे नहीं दिख रही है। तो 4 top cups मुझे यही इशारा कर रहे हैं। इनके परफॉर्मेंस देख के फैन फॉलोअर्स तो दुखी होंगे शायद, ये भी इतना मतलब ऋषभ पंत खुद भी बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आज जो इनके परफॉर्मेंस है इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत खुद भी अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऋषभ पंत के साथ ग्लेन मैक्सवेल की पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल तो बहुत ही अच्छा प्लेयर हैं, उनके जो ऑलराउंडर है हम बोल सकते हैं, पेज ऑफ स्वर्ड्स ये इशारा कर रहे हैं जो ग्लेन मैक्सवेल आज तो बाजी मार जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल के साथ हम देख लेते हैं मोहम्मद शमी, क्या उनके पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं। दी डेविल, आज मोहम्मद शमी के जो पत्ते हैं ये इतना अच्छा इशारा नहीं कर रहे हैं, ये जो पत्ते इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये दी डेविल ये इशारा कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं वजह से इनके मूड ख़राब रहेगा या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ना कुछ होंगे इनके साथ, ताकि इनके जो परफॉर्मेंस है ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे आज। इसी के साथ हम देख लेते हैं जेसन रॉय की पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं। जेसन रॉय अच्छा प्लेयर है ये कि सब लोग जानते हैं, 4 top spurs आज ये इशारा कर रहे हैं जेसन रॉय का ठीक ठीक रहेगा आज, जिनके परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा रहेगा ना ही बहुत ख़राब रहेगा, जेसन रॉय की आज जो परफॉर्मेंस ठीक ठीक रहेगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं हैदराबाद की टीम से जो कैप्टन केन विलियमसन के पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं आज। देखिए, केन विलियमसन ऑलरेडी बहुत धाकर प्लेयर है, दी एम्प्रेस कार्ड भी यही इशारा कर रहे हैं, आज इनके जो पत्ते ये कह रहे हैं कि आज छा जाने वाले हैं केन विलियमसन। तो अभी हम देख लेते हैं यूसुफ पठान की पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं। यूसुफ पठान की जो पत्ते आए हैं स्ट्रेंथ, जो यूसुफ पठान की पत्ते इशारा करें आज तो यूसुफ पठान छा जाने वाले हैं। साथ ही साथ हम देख लेते हैं शिखर धवन की पत्ते क्या इशारा कर रहे हैं आज। शिखर धवन की जो पत्ते हैं थर्ड ऑफ पॉइंट, शिखर धवन तो ऑलराउंडर है, शिखर धवन की आज पत्ते इशारा करें, इनके परफॉर्मेंस भी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार की हम पत्ते देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार जी जान से आज लगे रहेंगे इस टीम को जिताने के लिए, बहुत मेहनत करेंगे आज, क्योंकि ये जो 10th of Pentacles यही इशारा कर रहे हैं आज। भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस देख के मज़ा आ जाएगा, उनकी फ़ैन फॉलोअर्स बहुत खुश होने वाले हैं आज इनकी परफॉर्मेंस देख के। तो अगर हम हैदराबाद की टीम से अगर हम जीतेंगे या हारेंगे ये कार्ड सोच के अगर हम कार्ड उठाए, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं पत्ते आज जो हैदराबाद की टीम से। अगर हम हैदराबाद की टीम सोच के कार्ड उठाए तो 2nd top swords अभी जो कार्ड ही इशारा कर रहे हैं कि 50-50 चांस है हैदराबाद की। अगर दिल्ली की टीम से जीतना या हारना क्या ये कार्ड इशारा है सोच के हम उठाए तो हरमिट ये कार्ड इशारा कर रहे कि जैसे कि दिल्ली की टीम का भी उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना हैदराबाद की जो कार्ड हम उम्मीद कर सकते हैं इतना ही दिल्ली की टीम की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो दोनों टीमों की आज जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों टीमों के बीच में बहुत ज़्यादा कांटेदार टक्कर होने वाले हैं, तो इतना आसान नहीं है आज की प्रेडिक्शन देना। तो दोनों टीमों के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जोश से दोनों टीमों के अंदर जो प्लेयर्स है बहुत एनर्जी के साथ आज खेलने वाले हैं,
और दोनों तरफ जीत की उम्मीद लेके सारे प्लेयर्स आज खेलने वाले, क्योंकि एक तरफ केन विलियमसन है, दूसरी तरफ जो दिल्ली के प्लेयर है वो भी इतनी जिस तरह से इनके गौतम गंभीर, अमित, ग्लेन मैक्सवेल, इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है, इन लोगों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी धुआंधार रहेगा। तो दोनों टीमों के बीच में आज तो टक्कर मज़ेदार होने वाली है। तो ये तो रहा आज की प्रेडिक्शन, पर इस ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन को देख के कोई रिस्क ना ले, अगर कोई रिस्क लेंगे तो इसके लिए वही जिम्मेदार कहलाएंगे, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। नमस्कार, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं आप लोगों के सामने न्यू वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।